नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 18th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मून नाइट को पता चलता है कि लायन और ग्रैंड मॉल ने हंटर्स मून को मार डाला है, लेकिन वो भूलते थे कि कोंशु के फिस्ट कभी मरते नहीं है, इसलिए फिर से मून नाइट और हंटर्स मून मिलकर उन दोनों को खत्म करते हैं और ट्विटर के पास फेंकते हैं जो वैम्पायर्स की मीटिंग में आया हुआ था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला इशू खत्म हुआ था। और तब ट्विटर देखता है कि उसके सामने उसके भेजे हुए लोग मरे हुए थे और मून नाइट उनके सामने खड़ा था। यह देखकर मून नाइट ट्विटर से कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, इतना सारा खून वेस्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी पहले तुमने खून वेस्ट किया है और अब जाके हम आमने सामने आ गए हैं ट्विटर, और आज ही वो दिन है जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ट्विटर अपना माइक ऑन करता है और सारे गेस्ट से कहता है कि मैं इन्हीं गेस्ट की बात कर रहा था, ये आदमी सुपर हीरोज की पुरानी सोच है, मून नाइट मेरे लोगों को मार चुका है, लेकिन उसे क्या मिला, कुछ नहीं। ये मून नाइट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है जबकि मैं और मेरा स्ट्रक्चर फ्यूचर रिप्रेजेंट करते हैं। तुमने मेरे लोगों को मारा ताकि तुम यहाँ तक पहुँच सको, लेकिन तुम जानते हो कि यहाँ तुम्हारे लिए क्या वेट कर रहा है। ये सुनते ही मून नाइट ट्विटर से कहता है, हो गए बकबक। ये सुनते ही ट्विटर को गुस्सा आता है और वो मून नाइट से कहता है कि मैंने तो अब शुरुआत की है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, पर यह कमरा वैम्पायर से भरा हुआ है, तुम्हारे पास जितनी लकड़ियाँ है उससे कई ज्यादा वैम्पायर यहाँ उपस्थित है, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्या करोगे। ये सुनकर मून नाइट अपनी टाई टाइट करता है और ट्विटर से कहता है कि भाषण अच्छा था, लेकिन तुम सब लोग ये सोचकर यहाँ आ गए कि न्यूयॉर्क सिटी तुम्हारे लिए सेफ है, लेकिन ये गलत है, ये सिटी मेरी है और मैं किसी भी खून पीने वाले को घुसपैठ करने नहीं दूंगा। यह आसीन शिफ्ट होती है और हम रीस और सोल्जर को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग के नीचे के फ्लोर पे थे जहाँ पर ट्विटर वैम्पायर की मीटिंग करवा रहा था। तभी रीस सोल्जर से पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, जिस पर सोल्जर कहता है, हाँ मुझे यकीन है। यह कहते हैं सोल्जर वहाँ के कुछ वायर्स निकालता है और फिर वहाँ का सारा सिस्टम हैक कर देता है। इधर मिस्टर नाइट अचानक से अम्ब्रेला खोल देता है और सोल्जर से कहता है, सोल्जर अभी चालू करो। ये कहते ही हम सोल्जर को देखते हैं जो वहाँ का सिस्टम हैक करके वहाँ पर फायर सिस्टम एक्टिवेट कर देता है जिसके कारण वहाँ पर पानी बरसने लगता है, और मिस्टर नाइट और टाइग्रा एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े थे। तभी देखकर सारे वैम्पायर्स को गुस्सा आता है। तभी ट्विटर मून नाइट से पूछता है कि ये तुम्हारा प्लान था, टास्कमास्टर तो बहुत बड़ा इडियट है जो तुमसे डर गया। ये कहते हैं ट्विटर मिस्टर नाइट का गला पकड़ता है और कहता है कि तुम जैसा सुपर हीरो मैंने कभी नहीं देखा है, जिस पर मिस्टर नाइट ट्विटर से कहता है कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ बल्कि एक पृष्ठ हूँ, और मेरे पास एक चीज थी जो मैंने इस पानी में मिलाई थी, और अब तुम जान जाओगे कि वो चीज क्या है। ये सुनते ही ट्विटर समझ जाता है कि मिस्टर नाइट ने पानी में होली वाटर मिला दिया है, और तब ट्विटर का हाथ जलने लगता है और तब हम देखते हैं कि सारे वैम्पायर्स जलने लगे थे। तभी मिस्टर नाइट टाइग्रा से कहता है कि इन सबको मार डालो, बस मेरे लिए एक विटनेस छोड़ देना। ये सुनते ही टाइग्रा अपने सिल्वर क्लॉथ निकालती है और सारे वैम्पायर्स को मारने लगती है। तब एक वैम्पायर मिस्टर नाइट पर अटैक करता है, लेकिन मिस्टर नाइट उसके अटैक को डॉच करते हुए हंटर्स मून से कहता है कि जल्दी मुझे मेरी सिल्वर तलवार दो, और तब हंटर्स मून सिल्वर प्लेटेड स्वॉर्ड लेकर आता है, और तब हंटर्स मून और टाइग्रा मिलकर सारे वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। तभी मिस्टर नाइट वो सिल्वर प्लेटेड तलवार लेकर ट्विटर पर अटैक करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन फिर भी वे लोग पढ़ते रहे क्योंकि तुमने ऐसी ही तैयारी करके रखी है, लेकिन फिर मैंने तुम लोगों की कमजोरी जान ली। ये कहते हैं मिस्टर नाइट अपनी तलवार ट्विटर के गले पर रखता है, लेकिन तभी ट्विटर मिस्टर नाइट से कहता है कि हम समझौता कर लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मेरी सारी ताकत सारे मेथड्स अब तुम्हारे लिए होंगे, मैं तुम्हारे लिए मिडनाइट मिशन बना सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए व्हाइट सूट की आर्मी खड़ी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें गॉड बना सकता हूँ। ये सुनते ही मिस्टर नाइट को गुस्सा आता है और वो ट्विटर से कहता है, नहीं मैंने पहले भी बहुत सारे गॉड्स को देखा है,
ये कहते हैं मिस्टर नाइट ट्विटर का गला काट देता है, जिसके कारण ट्विटर की वही मौत हो जाती है। तभी टाइग्रा एक आदमी को घसीट कर लाती है और कहती है कि ये रहा वो जैसा तुमने कहा था, ये तो ह्यूमन है। या हंटर्स मून कंफर्म कर लेता है कि सारे वैम्पायर्स मर चुके हैं, और तब हंटर्स मून मिस्टर नाइट से कहता है कि हमें बातें करनी चाहिए, जिस पर मिस्टर नाइट हंटर्स मून से कहता है कि वो बात में कर लेंगे। तभी मिस्टर नाइट उस ह्यूमन की ओर देखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वैम्पायर्स के लिए काम करते हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम जब यहाँ से बाहर निकलोगे तब तुम सीधा चेर्नोबिल पहुंच जाओगे और ड्रैकुला को मेरा छोटा सा संदेश दोगे, और वो ये है कि न्यूयॉर्क पे नजर रखने वालों का यही हाल होता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम एक प्राइवेट प्रिजन देखते हैं जहाँ पर सुपर ह्यूमंस को रखा गया था। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वहाँ के कैदी से कहता है कि मेरा नाम रॉबर्ट प्लेस्को है और मैं तुम्हारा थेरेपिस्ट हूँ, जिस पर वो कैदी उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो, जिस पर वो डॉक्टर कहता है नहीं मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ। तभी वो कैदी उस डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी आंखें देखकर बता सकता हूँ कि तुम कोई अच्छे आदमी नहीं हो, जिस पर वो डॉक्टर अपने बैग में हाथ डालता है और मास्क निकालता है और उस कैदी से कहता है कि ये रहा तुम्हारे लिए। तभी वो कैदी वो मास्क पहन लेता है और कहता है ये हुई ना बात, तुम बाकी डॉक्टर्स की तरह नहीं हो, तो क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो चलो बात कर लेते हैं, एंड बाय द वे तुम मुझे जोड़िया कह सकते हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो कैदी कोई और नहीं बल्कि जोड़िया है, और यही पर ये इशू कंटिन्यू होता है।